वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखो काफ़ी सिंपल आता है। अगर हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फोटोन का एनर्जी, फोटोन का मोमेंटम, वेवलेंथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। बोर्स का जो थ्योरी है तो उसमें जो है रेडियस मेजरमेंट, एनर्जी वैल्यू ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि इसका क्वेश्चन रिजल्ट बेस्ड होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसका ईजी होता है और मैंने आपको इसका प्रॉपर रिविजन करवा दिया है, तो आपको ये करने में बिल्कुल ही अब मुश्किल नहीं होगा। कुछ फॉर्मूला भी देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए, कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है जी। ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। ई इज इक्वल टू एच न्यू, इसको हम लोग प्लैंक्स एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स एनर्जी, ठीक है। तो प्लैंक्स ने क्या किया था कि प्लैंक्स ने इलेक्ट्रॉन को एज ए जो है पार्टिकल, जो है जो उसका पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका एनर्जी बताया कि एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू होता है, जहां न्यू आपका क्या है, तो न्यू आपका है फ्रीक्वेंसी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और जो ई है मेरा वो क्या है, एनर्जी है, और एच क्या है, एच आपका प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है, सो एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 6.634 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद आप देखोगे कि सेकंड जो आता है वो आता है वेवलेंथ ऑफ फोटोन। तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन क्या होता है, तो ये लेमडा इक्वल टू एच बाई पी होता है। एक्चुअली ये डी ब्रोगली रिलेशनशिप है, ठीक है। डी ब्रोगली ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को ये प्रूफ किया कि इलेक्ट्रॉन में दोनों तरह का बिहेवियर होता है, लाइक लाइट, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है लाइक ए पार्टिकल भी है और लाइक ए वेव भी है, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने जो है एक रिलेशन दिया आपको मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में, जहाँ पी आपका मोमेंटम है और लेमडा आपका वेवलेंथ है। अच्छा मान लो ये रिलेशन अगर आप भूल जाओ तो आप फौरन से रिकॉल कर सकते हो। कैसे रिकॉल करेंगे, तो कुछ करना नहीं है। डी ब्रोगली ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का दोनों कैरेक्टर को बराबर किया कि इलेक्ट्रॉन में दोनों तरह का कैरेक्टर हो सकता है, वेव कैरेक्टर भी हो सकता है और पार्टिकल कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। जब हम पार्टिकल कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम प्लैंक्स एनर्जी की बात करते हैं। तो वहां पे क्या किया, वहां पे डी ब्रोगली ने प्लैंक्स का जो एनर्जी था एच न्यू, ठीक है, इसको इक्वल ले लिया किसके, जो आइंस्टीन का इक्वेशन है, आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन यानी एमसी स्क्वायर, ठीक है, इसके। तो यहां से ये वेव कैरेक्टर वाला एनर्जी हो गया, यहां से ये पार्टिकल कैरेक्टर वाला एनर्जी हो गया, ठीक है। अब देखो एक अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये होता है सी इज इक्वल टू न्यू लेमडा। सब देखिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा, जहां अगेन न्यू आपका फ्रीक्वेंसी है, लेमडा आपका वेवलेंथ है, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूज करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं न्यू को लिख सकता हूं क्या, सी बाई लेमडा, ठीक है। तो यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक सी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपका बच रहा है एच बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी, एंड एम सी इज वाट, मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट मीन्स मास एंड वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को मोमेंटम बोलते हैं पी, ठीक है। तो इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन। यहां से ये पता चल गया कि लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एच बाई पी हो जाएगा, यानी अगर आपको वेवलेंथ पता करना है फोटोन का तो वो आप इस रिलेशन से पता कर सकते हैं। तो मैं देखिए ये कह रहा हूं आपको कि अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाते हैं ना तो बहुत इजीली रिकॉल कर लीजिएगा, या कई दिन हो गया है फॉर्मूला आप रिवाइज नहीं कर पाए हैं और अचानक से ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आपको मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो इन तीनों रिजल्ट से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। चलो अब वन बाय वन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है आपको, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन खुद से देखिए, बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं वन बाई वन, आप मुझको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। ये आपके टेलीग्राम पे भी चले थे तो वहां से भी आपने क्वेश्चन किया होगा। टेलीग्राम का लिंक देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीजीटी टीजीटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो सीएसआईआर नेट की, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको मिलते हैं, उसको सोल्व कीजिए, डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखते हैं वन बाई वन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मोमेंटम ऑफ फोटोन, आपको यहाँ पे मोमेंटम ऑफ क्या दिया है, फोटोन का मोमेंटम दे रखा है, ठीक है, इतना है। बोलता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्या है जी, मोमेंटम गिवेन है, गिवेन है क्या है, मोमेंटम, यानी आपको पी दिया हुआ है, कितना है, 3 × 10⁻², ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, यूनिट को देख लीजिए, सारा एसआई यूनिट है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले आप वेवलेंथ निकाल लीजिए, क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला।
यहाँ पे h का वैल्यू क्या होता है, ये वाला 6 पॉइंट, इसको याद रखिएगा, 6 3 4 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 3.3 10 टू द पावर माइनस 29। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अबाउट में हम लोग 2 से कट कर सकते हैं, क्योंकि 2 से कट करेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ऊपर में है, नीचे से प्लस 29 चला जाएगा, तो क्या हो गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया। ठीक है, ये आपको मिल गया वेव लेंथ। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए इसका फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए आप ये लास्ट वाला रिजल्ट यूज कर लीजिए, सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा। ठीक है जी, आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी यानी न्यू, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई लेमडा। ठीक है, अब चलो सी क्या होता है, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा क्या आया है, ये आया है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, तो 3/2 क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, और 10 टू द पावर आपको बचेगा 3। तो यही आपका हर्ट्ज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखो -34 है +29 है, तो ये आपका -5 आएगा। ठीक है, यहाँ -5 आ जाएगा तो ऊपर जाएगा तो पावर आपका ऐड हो जाएगा, तो 8 और 5 क्या हो जाएगा, 13। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल आराम से करना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको रीड कीजिए। ठीक है, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा। चलो देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को भी। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज दिस, मोमेंटम आपको दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये देखिएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, तो आपका इसको इसका एनर्जी पूछ रहा है। ठीक है ना, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है और ऑप्शन आपको अर्ज में दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। क्यों, इसलिए कि देखिए अगर ये आपका केजी मीटर पर सेकंड में होता तो ये आपको जूल में आता, एनर्जी किस में आता, जूल में आता। लेकिन अगर ये आपको ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में है, ठीक है, यानी क्या, यानी सीजीएस सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सीजीएस सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका अगर सीजीएस सिस्टम है ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको अर्ज में ही आंसर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप को लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आप लोग वो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में लो। ठीक है, और चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, बट कन्वर्ट करेंगे तो लेंदी होगा और हमको एग्जाम में जल्दी करना होता है, तो हमको टाइम बचाना है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि चलो ठीक है ग्राम सेंटीमीटर सेकंड में दिया है, ये आपको अर्ज में आंसर दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप चेंज करके बनाते हैं तो अगर आपका जूल में आंसर आता है तो आपको जूल को फिर अर्ज में चेंज करना पड़ेगा, और 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ज होता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मोमेंटम दिया हुआ है कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ठीक है जी, अच्छा अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, तो क्विकली अगर आपको मोमेंटम दिया है तो आप यहां से जो है वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और आपको चूंकि देखो एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी क्या होता है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं एनर्जी इक्वल टू ई इक्वल टू होता है एच न्यू। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे न्यू चाहिए, जैसे हम लोग पूरा पिछले काम किए थे वैसे ही काम करेंगे, तो हम एच न्यू चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आप कर सकते हैं, जैसे मोमेंटम हमको दिया है तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर चेंज कर दें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू, क्योंकि सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं h, और न्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, c बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एच सी बाई लेमडा। ठीक है, ये तो अगर आप लेमडा निकाल लीजिए तो आपका काम जल्दी बन जाएगा, एनर्जी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लेमडा निकालने का तरीका क्या होता है, तो लेमडा इक्वल टू होता है h बाई पी। अगेन अगर मैं इस h बाई पी को रख दूं यहाँ पे लाके तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई एच बाई पी। ठीक है जी, ये मेरा कट जाएगा, तो सिंपली मेरा देखो P इंटू सी बच रहा है, E इक्वल टू क्या बच रहा है, P इंटू सी। तो बहुत मेहनत नहीं करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस तरीके से आप, अच्छा ये आप याद रख सकते हो कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, कैसे याद रख सकते हैं, तो देखो मोमेंटम आपका होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी आपका यहाँ पे हम लोग देखें तो ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और जो c होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, यानी वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों को मिला दीजिएगा तो ये हाफ एम वी स्क्वायर वाला में आ जा रहा है, एम वी स्क्वायर में, तो ये एनर्जी ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो ये पी सी आ रहा है, और डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, लॉजिक से तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, सिर्फ इस पी सी का वैल्यू निकाल देना है। तो निकाल दीजिए, पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 दिया हुआ है। ठीक है, सी क्या होता है, सी आपका होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, बट मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और आपको क्वेश्चन में सबका यूनिट एक ही रखना है, तो ग्राम सेंटीमीटर
तो सेंटीमीटर में इसको चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, सबका यूनिट एक ही रहना चाहिए, याद रखिएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻¹⁰, ठीक है। चलो वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जा रहा है मेरा 2, 3 = 6 और 10⁻¹⁰ क्या आ जा रहा है जी, -16 और 6 तो -6, तो ये आपका अर्ज आएगा, ठीक है। 6 × 10⁻¹⁶ अर्ज आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल था, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा इसको एग्जाम में फास्ट बनाना है, डायरेक्टली लिखिएगा मोमेंटम गिवन है, ठीक है। एनर्जी आपका ये होता है, वहां पे हम इसका यूज कर लेंगे तो मेरा ये आ जाएगा, क्योंकि कनेक्शन आपको बनाना है, आपको जो है दिया हुआ है मोमेंटम, आपको एनर्जी निकालना है। तो मोमेंटम का जो सीधा रिश्ता है वो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लेमडा से है, तो आप एनर्जी को लेमडा के टर्म में लाओ, लेमडा का वैल्यू डाल दो, जो बचता है उसको आप पुट अप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से करना होता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा आ रहा है 3 नंबर, ठीक है जी। चलिए 3 नंबर को देख लेते हैं क्या है। तो 3 नंबर में आपको बोलता है कि रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का, तो काफी सिंपल चीज है, 0 होता है, फोटोन का रेस्ट मास हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नंबर 4 क्या है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 5000 angstrom knot विल बी। अब आपको वेवलेंथ दे दिया है, कितना है, 5000 angstrom knot, ठीक है। इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करें तो 5000 × 10⁻¹⁰ एक अंगस्ट्रम नोट में 10⁻¹⁰ मीटर होता है। सारी बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है, ठीक है। 1 angstrom knot = 10⁻¹⁰ यहाँ पे आपको आ जाएगा 5 × 10⁻⁷, ठीक है, ये आपको लेमडा आ गया। तो मोमेंटम पूछ रहा था, मोमेंटम हम लोग जानते हैं क्या होता है, h/λ, ठीक है जी, डी ब्रोगली का इक्वेशन। तो h क्या है, h है हमारा 6.634 × 10⁻¾ डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻¹⁷, ठीक है। तो क्विकली रिस्पॉन्स कीजिए, 5 को इससे डिवाइड कीजिएगा, 6 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, -34 और ये ऊपर जाएगा तो +7, तो -27, ठीक है, 1.3 × 10⁻²⁷, ये हम लोगों का आंसर आने वाला है। ये ए नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बस देख करके ही आप टिक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर में 6.6 है, 5 से कट करेगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, और -34 और ये +7 आपका हो जाएगा, तो ये आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करते हुए चले जाना है, ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे, ए फोटोन इन मोशन हैज ए मास। देखिए, अब रेस्ट में फोटोन का जो मास है वो 0 लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट में है। ये हम लोग अजम्पशन है हमारा कि फोटोन का जो भी मास कंसिडर किया जाता है वो मोशन में किया जाता है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पर है, स्टैटिक है, तो वो 0 लिया जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि मोशन में आ गया है, तो मोशन में अब 0 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, तो फोटोन का मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, बहुत आसान है मास निकालना, हम लोग अभी पढ़े हैं क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है h/λ। फिर देखिए, हमारा जो मोमेंटम है वो क्या होता है, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो मास ऑफ फोटोन इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इक्वल टू h/λ। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि मास क्या होगा, तो मास मेरा हो जाएगा h/c λ, ठीक है, c को नीचे कर देते हैं। अब हमको देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलाना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलने के लिए, ठीक है जी, हम लोग ये करेंगे कि जैसे अभी तो हम लोगों को कुछ नहीं यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो किसको चेंज कर दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग लेमडा को चेंज कर देते हैं, क्योंकि c इक्वल टू क्या होता है, न्यू लेमडा होता है, ठीक है। तो मेरा लेमडा क्या हो जाएगा, c/ν, इसको डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, तो hc × c/ν आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा h/ν/c². अभी आपको देखिए मिल गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बस कुछ करना नहीं है, इस तरह का फॉर्मूला लिख करके आपको मैच कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सटीक मिल जाता है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, फिर देखिए 6 नंबर, ठीक है, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। क्या है 6 नंबर जी, बोलता है द अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी दिस, ठीक है। तो आपको इस बार देखो एनर्जी दिया हुआ है, हाँ, क्या दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है और आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है। सब तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे एनर्जी, अच्छा ठीक है, वेवलेंथ पूछ रहा है हमको और एनर्जी मेरा गिवन है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी आपको देखिएगा, आपको दिया हुआ है 2.48 इलेक्ट्रोवोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवोल्ट है, पहले इसको जूल में चेंज कर लो, तो जूल में चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ ये डाल दीजिएगा, तभी आपका इलेक्ट्रोवोल्ट किसमें होगा, जूल में चेंज हो जाएगा। सब बात आपको जानना है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है देख लीजिए, ठीक है, 16 × 4 तो 16 × 4 हो जाएगा आपका 64, ठीक है, और 16 × 2 = 32 तो 38, तो 3.84, ठीक है, ये आ रहा है।
और 10^-19 ये आपका जूल में आ गया एनर्जी। तो हमको बोलता है कि वेवलेंथ क्या होगा, तो अगेन देखो कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो रिजल्ट है उसको हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमारा काम हो जाएगा। वेवलेंथ ई इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा, ठीक है। तो यहां से लेमडा निकल जाएगा, तो लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा मेरा एच सी बाई ई आ जाएगा, ठीक है जी। ओके अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू होता है 6.63 × 10^-34, ठीक है। सी का वैल्यू क्या होता है, सी होता है 3 × 10^8, ये डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू क्या है, तो ई है हमारा 3.84 × 10^-19, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करेगा। तो देखिए यहाँ पे कट करने का है, तो कैसे हम लोग कट करें कि हमारा काम इजीली हो जाए, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह का कैलकुलेटिव आ जाता है, पर कोई इशू नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। डर गया तो मर गया, आराम से काम करना है। 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई करते हैं 3 को इससे, 3 3 जा 9 3 6 जा 18, ठीक है। 3 6 जा 18 और एक 19, ये हो जाएगा जी इन बाई 3.8 को नीचे रहने देते हैं। ओके 34 है यहाँ पे, 10^-34 है यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 और 19 27, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40 5 से, तो लगभग अबाउट 5 से ये कट कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 × 10^-7, ठीक है। ये हमारा आ गया मीटर में वेवलेंथ। ओके अब देखो इसको यहाँ पे, इससे अगर हम मैच करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5000 कर देंगे तो ये 10^-10 मीटर आ जाएगा, और 10^-10 क्या होता है, या अंगस्ट्रम नॉट होता है, तो ये आपका 5000 अंगस्ट्रम नॉट आ जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कहीं कहीं पे कैलकुलेशन है, बट आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपको अबाउट में कट करके आंसर दिया रहता है, तो मुश्किल नहीं है जी, आसानी के साथ में हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 7 नंबर क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 540 नैनोमीटर इमिटेड पर सेकेंड बाई इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 100 वाट इज टेकिंग, ठीक है। इज अच्छा, एच का वैल्यू आपको ये लेना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाट के लिए आपको काम करने के लिए बोला है, बट देखो इस सबको देख करके ना आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हमारा वाट वाला काम भी हो जाएगा, ठीक है। चूंकि वाट में आपको दे रखा है, पावर दे रखा है, ठीक है जी। तो कैसे करना है देख लेते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्या बोल रहा है, बात समझिए पहले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 100 वाट का कोई बल्ब है, ठीक है। मान लो कोई बल्ब है ये मेरा, ये 100 वाट का है, ठीक है। तो 100 वाट का अगर बल्ब है ये 100 वाट का, तो इससे जिससे वेवलेंथ लाइट निकल रहा है, फोटोन निकल रहा है, ठीक है। तो फोटोन का बोल रहा है कि फोटोन का अगर वेवलेंथ 540 नैनोमीटर है, पहले नैनोमीटर को चेक कर लीजिए, हमारा 540 × 10^-9 हो जाएगा मीटर, ठीक है जी। ये आ गया, तो हम लोग का ये हो गया वेवलेंथ। तो बोलता है कि इस तरह का जो वेवलेंथ वाला कितना फोटोन निकलेगा, ठीक है, 100 वाट बल्ब से, ठीक है। इस तरह का वेवलेंथ वाला कितना फोटोन निकलेगा, तो देखो होता क्या है, हम लोग एनर्जी से काम करेंगे, एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एक फोटोन का एनर्जी है, किसका है, ये है 1 फोटोन का एनर्जी, ठीक है। अगर हम इसको एन फोटोन मान लेते हैं कि एन फोटोन निकल रहा है, ठीक है, लेट एन फोटोन इज इमिटेड, ठीक है। अगर एन फोटोन निकलता है तो एनर्जी क्या हो जाएगा, तो एनर्जी वैल्यू हो जाएगा हमारा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा एन गुना एच न्यू, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे पावर दिया है, तो पावर क्या होता है याद रखिएगा, तो पावर होता है आप जानते हो वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, यानी एनर्जी बाय टाइम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी जो भी एनर्जी निकल रहा है पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एन एच न्यू बाई, मान लेते हैं टाइम टी है, ठीक है। ये हो गया, तो ये पावर, पावर आपको दिया हुआ है यहाँ पे 100 है, कितना दिया हुआ है पावर, पावर आपको 100 दिया हुआ है, तो 100 इक्वल टू एन हमको फाइंड करना है। एच क्या होता है, तो एच होता है मेरा 6.634 × 10^-34, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू। अब देखो न्यू को चेंज कर लेते हैं, चूंकि हमको लेमडा चाहिए, तो सी इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, तो न्यू क्या हो जाएगा आपका सी बाई लेमडा, ठीक है। तो सी बाई लेमडा कर दीजिएगा, तो लेमडा टी। अच्छा टी क्या है, टी आपका 1 सेकेंड है, चूंकि वाट है ना यहाँ पे, तो वाट का मतलब क्या होता है 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो टी आपको एक ही लेना है, ओके क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू एन हमको निकालना है, ये है 6.634 × 10^-34, ठीक है। सी होता है 3 × 10^8, ये आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, डिवाइडेड बाई
वेवलेंथ आपको दिया हुआ है कितना है 540, तो हम अभी बताए थे कि 540 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -9, तो आपका हो गया मीटर में। ठीक है, अब इसको हमको सोल्व करना है भाई, देखना है क्या आंसर आता है। ठीक है, तो देखो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ कट कर लेते हैं, 3 से ये कट हो जाएगा हमारा, 180 आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्रॉस कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000, 1, 2, 3। ठीक है, 10 टू द पावर 9 को भी इधर क्रॉस कर देते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा हमारा 6.63 इंटू -34 है, और यहाँ पे आपका 8 है, तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारा 26। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ से कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से हमको हैंडल करना है, तो इसको हम लिख देते हैं 18, 10 टू द पावर 9 और 3 12 हो जाएगा, इसको नीचे ले आइए तो हो जाएगा 6.63 और 10 टू द पावर 26। ठीक है, इक्वल टू एन, ये हमारा एन निकालना है। तो हम देखते हैं कि मेरा अबाउट में आंसर क्या आता है। ठीक है, हो गए यहाँ पे कि जब हम लोग इसको कट कर देते हैं, अच्छा आप यहाँ पे नोटिस करो ना कि आपको एच का वैल्यू जो है वो 6 ही लेने के लिए बोला है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6 × 10⁻³⁴ बोला है, तो अगर मैं इसको सिर्फ 6 ही लूँ तो ये कट करके 3 ही आ जाएगा। ठीक है जी, सिर्फ 6 लेते हैं तो कट के 3 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे आपका है × 10⁻²⁶। ठीक है, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनका वैल्यू आ जाएगा 3 × 10⁻⁴, चूंकि 3 टाइम्स में कट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 0 था तो ये 12 हो गया। सही है, तो 6 × 3 = 18 और 10⁻½ और +26 ऊपर जाएगा तो 38 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 10⁻³⁸ आएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, वो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे देखो मिसिंग है ये ऑप्शन, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए 3 × 10⁸। ठीक है, तो ये आपका फिर करेक्ट ऑप्शन होगा, इसको आप अच्छे से जो आएगा उसको उसी को कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मेनली आपको क्वेश्चन सही दिया जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से करना था, आई होप इसी तरीके से करेंगे तो देखो मुश्किल नहीं है, बट पावर अगर पावर का क्वेश्चन देता है तो बस एनर्जी बाय टाइम कर देना है और कुछ नहीं, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं जगह को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए ओके, देखते हैं 8 क्या है। 8 नंबर बोलता है हमको कि इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ 4 देन इट्स मोमेंटम। बोलता है कि एनर्जी अगर 4 से बढ़ाया जाता, देखिए एनर्जी होता क्या, अभी मैं आपको दिखाया कि एनर्जी इक्वल टू में देखे कि मोमेंटम इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे काम करेगा, E इक्वल टू पी सी, ई इक्वल टू हम लोग का कहाँ पे पी सी आया था जी, यस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो E इक्वल टू मैंने दिखाया आपको कि E क्या आया था, पी सी आया था। ठीक है, तो E इक्वल टू पी सी होता है, यानी एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है वो आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, और मोमेंटम ऑफ फोटोन में क्या रिलेशन है कि एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, यानी एनर्जी क्या है, प्रोपोर्शनल है मोमेंटम का कहिए तो। ठीक है, या बोलिए तो मोमेंटम एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, तो अगर एनर्जी को 4 फैक्टर से बढ़ाया जाएगा तो आपका मोमेंटम भी क्या है, 4 फैक्टर से बढ़ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। फिर देखो 9 नंबर क्या है, विच इज करेक्ट, बोलता है कौन सा करेक्ट है। अगेन यहाँ पे देखिएगा तो एनर्जी और फोटोन में रिलेशन दिया हुआ है, तो इसी को ले लीजिए भाई और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए कितना सारा क्वेश्चन इससे बन रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी आप अलग से इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिए ताकि आपको हेल्प हो जाए। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे 10 नंबर क्या बोलता है, बोलता है फॉर द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सर्कमफेरेंस 2πr द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ रिवोल्यूशन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल बी। ठीक है, देखिए बोर्स के फर्स्ट ऑर्बिट का यहाँ पे दिया हुआ है सर्कमफेरेंस कितना है, 2πr है, तो ये बात समझिएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस होता है ना, वही उसका वेवलेंथ होता है, तो यानी वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट है कि फर्स्ट ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस ही क्या होता है, उसमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2πr आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो रिजल्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना है, किसी में थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो है ट्विस्ट है, तो आपको थोड़ा उसमें अप्रोक्सीमेशन से काम लेना है। इस तरीके से आपको फास्ट हैंड रहते हुए अपने कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को करना है, तो डेफिनेटली आप इसी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है,
इस तरह क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट था, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, तब तक आप सारे लेक्चर को अच्छे से देखते जाओ। आपको क्वेश्चन खुद से बनेंगे, इसको भी आपको पूरा कोशिश करना है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिलता है, पीडीएफ लीजिए और बनाइए, टेलीग्राम के क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तो अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आप मिडिल स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपके लिए ये फ्रूटफुल था, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।